रोहड़ से है जहां जैतपुरा थाना क्षेत्र के खुटानी गांव के निकट टेम्पो का टायर फटने से दुर्घटना में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए जिन्हें पाली के भांगड़ अस्पताल लाया गया। घायलों में दो लोगों की हालत चिंताजनक होने पर उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। ये लोग पाली, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं जो मजदूरी के लिए खुटानी जा रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण राजूराम चौधरी, विधायक भीमराज भाटी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक बांगड़ अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश दिए। नहीं, यहां चिकित्सा सुविधा आती डॉक्टरों ने बहुत ही माकूल कर दी थी। मौके पर ही दो डेथ हो गई थी और दो जो थे काफी गंभीर थे तो उनको प्राइमरी उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया है और यहाँ जो 11 बाकी भर्ती है यहाँ डॉक्टर लगे हुए हैं, स्टाफ लगा हुआ है और एक माकूल चिकित्सा व्यवस्था उन्हें अब तक प्राप्त हो गई है, फर्स्ट एड प्राप्त हो गया है। ये सारे खतरे के बाहर है।